बैक टू अवर चैनल रोहन टोनी। आज को एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो है एक अनबॉक्सिंग वीडियो, क्योंकि हमने अभी जस्ट शॉपिंग की है। मैंने अभी आपको लाइव पे दिखाया था जैसे कि आईफोन 11 हमने परचेज किया है बिग बिलियन डेज में। तो जो एक्चुअल प्राइस पड़ा वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो आईफोन है उसकी भी हमें ऊपर वीडियो अनबॉक्सिंग, थोड़े बहुत फोटोग्राफर बन के जो चीजें उसकी निकाल के लेके आए, तगड़े तगड़े फीचर, तगड़े तगड़े कैमरा एंड वीडियो, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एज यूजुअल आईफोन के कह सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये रहा फोन गाइस। इस पे मैंने अभी प्रोटेक्शन वगैरह जो भी इन पे चढ़ती है वो सब मैंने करवा लिया है इसका, कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। टेम्पर वगैरह चढ़ा हुआ है, कैमरा सही। इस तरफ देखोगे आप तो एक ही वॉल्यूम अप डाउन की है और साइलेंट का एक यहाँ पे की दिए हुआ है। नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे एक लाइटनिंग पोर्ट है और साथ में एक आपको स्पीकर और एक माइक का ऑप्शन भी दिया गया है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो गाइस एक तो लुक एंड फील देख सकते हैं आप फोन की जिस तरीके से है, देख रहे हो। और एक्चुअल में पीछे भी मैंने एक टेम्पर चढ़वाया हुआ है इस पर। यहाँ पे इधर 12-12 के दो कैमरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डुअल एलईडी फ्लैश, एलईडी सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें एप्पल का लोगो दिया हुआ है। पीछे एज यूजुअल जो रहता है इधर पावर साइड बटन है, एंटीना बैंड्स, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, सामने एक स्पीकर। और इसके जो एक चीज़ बताते हैं जो नीचे डाउन फायरिंग और फ्रंट फायरिंग दोनों डॉल्बी स्पीकर इसमें चलते हैं, ठीक है। तो दोनों स्पीकर से काफ़ी अच्छी बड़ी आवाज़ आती है, एक अच्छा साउंड सिस्टम है। अगर आप मूवी वगैरह वीडियोस वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट आपको साउंड से इसके मिलने वाला है। तो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन लगता है हाथ में पकड़ने के बाद, जैसे कि आप देख भी सकते हो, पतला भी है, ऐसी बात नहीं है। गाइस अब जो आप आगे देखोगे वो इसके कुछ कैमरा सैंपल्स जो होंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियोस पिक्स दोनों को एक साथ मैं दिखाने वाला हूँ। अभी आप देखो किस तरीके की फ़ोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी है इसके अंदर। और इसका कैमरा पीछे मैंने पहले बता दिया 12-12 के दो, और आगे फ्रंट 12 मेगापिक्सल का। तो सेम जो आईफोन 12 में आपको कैमरा मिलता है आईफोन 13 में भी वही है, तो वही कैमरा। देखो अभी आप आगे और आप डिसाइड करो कि क्या निकल के आ रहा है। तो गाइज़ जो अभी आप कैमरा सैंपल्स देख रहे हो आईफोन 11 से शूट हो रहे हैं, 12-12 के पीछे दो कैमरा है, ठीक है, उन्हीं से मैं शूट कर रहा हूँ। जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो भी इसी के माइक्रोफोन की है। तो बताओ एक बार मेरे को नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा। मैं ऊपर अभी छत पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो जिस तरीके से अभी मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा इवनिंग अभी हो रहा है, सूरज ढल गया है, और फिर भी काफ़ी अच्छी वीडियो शूट। इसका जूम देख लो आप, ठीक है, ये देखो काफ़ी अच्छा है। सामने आप तिरंगा भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे से कर पा रहा है, बहुत ही अच्छे कैमरा वीडियो इसने अभी तक निकाल के दिए। गाइस ये वीडियो फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देख सकते हो क्वालिटी। सो गाइस अगर मैं जूम की बात करूँ तो सामने आप बिल्डिंग देख सकते हो, मैं उसमें जूम करने वाला हूँ एक बार, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो मैंने वाइड एंगल से, अगर मैं ये वाइड एंगल है यहाँ से मैंने 1x किया है, ये 1x है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2x कर दिया है और अभी मैंने 3x कर दिया है। 3x इसमें जूम मिलता है लास्ट, मैं इसे वापस वाइड एंगल पे ले आता हूँ, ठीक है, और ये नॉर्मल जो आपका रहेगा। और गाइज ये है इसका 4K 60 FPS। सो गाइस कुछ ये था हमारा आईफोन 11 A13 बायोनिक चिप है, 4G है, 64 GB वाला वेरिएंट है, और काफ़ी अच्छे प्राइस पे मेरे को मिल गया है। इस प्राइस पे आप अगर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हो तो इसके मुकाबले कोई नहीं। प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया, सबको पता है एप्पल का क्या रहता है हमेशा से, ठीक है, तो उसमें कोई हमें शक नहीं।
ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें सोचना पड़ेगा। बट हाँ, मेरे को एक अच्छे प्राइस में मिल गए, 29,990 कुछ करके सेल में आया था, तो मेरे को जस्ट 20 रुपीज़ ही उससे ऊपर मिला, तो अच्छे प्राइस पे फ़ोन मेरे को मिल गया। क्योंकि सेम कैमराज आपको 50,000 वाले फ़ोन में भी मिल रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि 12 इसमें भी है और सामने भी इसमें 12 है, तो बढ़िया कैमरा है, सब कुछ अच्छा है, वीडियो क्वालिटी 4K 60 FPS आप इसमें शूट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे देखते हैं।